नमस्कार साथियों, मैं आज आपके लिए एक और नया बेहतरीन खूबसूरत प्रोजेक्ट लेकर आया हूं। मैं हूं निहित जैन, आपका होस्ट, और आपको आज मैं इस प्रोजेक्ट की विजिट करवाता हूं और लेके चलते हैं आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर। साथियों, अब हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं और अब आप देख सकते हैं कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक गार्डन बना हुआ है और एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन यहाँ बना हुआ है, जहाँ पर एक जॉगिंग ट्रैक लगभग बन चुका है और बाकी पूरा गार्डन अभी डेवलप हो रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से एक खूबसूरत सा एंट्री गेट भी बन रहा है। आइए मैं आपको अंदर लेकर चल के बताता हूँ। और साथ ही में आपको इस प्रोजेक्ट का नाम बताता हूँ। हमारे यहाँ पर दो प्रोसाइट्स साथ में चल रही हैं, जिसका एक नाम है द वाटिका रेजिडेंसी और एक है द रियासत रेजिडेंसी। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अब टाउनशिप के एक और गार्डन में आया हूं, जिसका भी काम चल रहा है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पानी की टंकी का भी लगभग काम पूरा हो चुका है और इसी के साथ में आपको एक और पानी की टंकी नज़र आ रही है। और इसी के साथ में आपको अपनी सीधा और चीज़ दिखाई देगी, जिसे ये मंदिर यहाँ पर बन रहा है। इस टंकी की कैपेसिटी लगभग 1.5 लाख लीटर पानी की यहाँ पर कैपेसिटी इन टंकी होगी। ये है हमारे गार्डन का एंट्रेंस गेट, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से तैयार किया जा रहा है। साथियों, अब हम लोग आ चुके हैं टाउनशिप के एक और गार्डन के अंदर। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक इतनी बढ़िया तरीके से गार्डन को यहाँ तैयार किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं, जैसे आपको साइड में काफ़ी बड़े बड़े पेड़ आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे, और हमारे सीधा की तरफ अगर आपको मैं थोड़ा सा बताऊँ तो आपको यहाँ पर झूले भी नज़र आ रहे होंगे। एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज यहाँ पर डेवलप की जा रही है। आप लोग हमारे टाउनशिप के गार्डन के डेवलपमेंट में देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर जॉगिंग ट्रैक। और इसी के साथ में मैं आपको आके लेकर चलता हूँ, तो आप सामने की तरफ देख सकते हैं कितना ही शानदार प्यारा से एक एंट्री गेट यहाँ बना हुआ है। और साथ ही में अगर आप देखेंगे कि पूरा यहाँ पर जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है और हमारा गार्डन उस तरफ भी आगे की तरफ फैला हुआ है।
सभी जगह पर मार्किंग हो रखी है किस तरफ कौन सा प्लाट नंबर है और कैसे क्या है। इसी के साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस जाली की तरफ जो की है हमारे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का एक सिस्टम बना हुआ है, एक नाली नुमा जगह बनी हुई है जहाँ पर जितना भी बारिश के पानी होगा वो सभी इकट्ठा होगा, बारिश के पानी की एक भी बूंद यहाँ पर वेस्ट नहीं होगी। यहाँ पर 2.25 बीघा में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है जहाँ पर जितना भी बारिश का पानी संग्रहित होगा और उसे किस तरीके से आगे यूटिलाइज करना है या फिर उसे वापस से भूमिगत करना है उसका पूरा सिस्टम प्रयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। मैं आपको टाउनशिप के एक और गार्डन में लेकर आया, आपको नजर आ रहा होगा मेरे पीछे एक बहुत ही बेहतरीन लैंडस्केप गार्डन आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। इसी के साथ में आपको एक और चीज बताने जा रहा हूँ, हमारे इस टाउनशिप में 2 पानी की टंकियां और बन रही हैं जिसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है। साथ ही डेवलपमेंट में आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर बिजली की वायरिंग भी बिल्कुल साइड में की गई है जिसका डायरेक्टली आप अपने घर से कनेक्शन ले सकते हैं। आपको एक और चीज मैं बताऊंगा, यहाँ पर सीवरेज की लाइन भी बिल्कुल साइड में डाली गई है ताकि किसी को कोई समस्या न हो, डायरेक्टली यहाँ से अपने मकान में उसका कनेक्शन ले सके। इसी के साथ मैं आपको तीसरी चीज बताता हूँ, यहाँ का जो रोड से काम किया गया है यहाँ पर इंटरलॉक टाइल्स में इनका काम किया गया है। पहले के टाइम में सीमेंट की सड़कें और डामर की सड़कें बनती थी जिनका मेंटेनेंस भारी पड़ता था और जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाती थी, यहाँ पर इनका मेंटेनेंस भी लो होता है। दूसरी चीज, जितना भी बारिश का पानी होता है वो आराम से जमीन के अंदर बैठ जाता है, भूमिगत हो जाता है जिससे हमारा वाटर लेवल बढ़ता है। और हमारे यहाँ की जो सड़कें देख रहे हैं ये 40-40 फीट की सड़कें और जो इनके सब रोड्स हैं वो सभी 30-30 फीट की रोड्स हैं। दोस्तों डेवलपमेंट में आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ आउटर बाउंड्री हो रखी है और उसी के ऊपर लगभग 3-3 फीट की फेंसिंग हुई भी है। हमारे प्रोजेक्ट में सभी जगह पर आपको इस तरह की आउटर बाउंड्री देखने को मिलेगी।